नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप खबरों को देते हैं विस्तार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए निर्वाचन व्यय निगरानी के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। श्री राव ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि आचार संहिता के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए और संबंधित जानकारी निर्वाचन कार्यालय को नियमित रूप से दी जाए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी राव ने पुलिस बल को निर्देश दिए कि उड़न दस्तों एवं स्थैतिक निगरानी दलों की संख्या बढ़ाई जाए, सीमावर्ती जिलों में निरंतर चेकिंग अभियान चलाए जाए, पुलिस अमले को चेकिंग के दौरान आमजन एवं महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार के निर्देश दिए जाए। आयकर विभाग से कहा गया कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट निरंतर सक्रिय रहे और प्रत्येक कार्रवाई की रिपोर्ट भेजे। आबकारी विभाग सभी जिलों में सख्ती से कार्रवाई कर अवैध शराब तथा नशीले पदार्थों के परिवहन, वितरण और विक्रय पर रोक लगाए। रेलवे को निर्देश दिए गए कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्कैनर लगाकर सामान की जांच की जाए। जेएच आने वाले दर्द के मरीजों को अब सामान्य मरीजों की तरह लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ऐसे मरीजों को इस सुविधा के लिए ओपीडी में अलग से पैन क्लिनिक शुरू कर दी गई है, जिससे अब मरीजों को ओपीडी में ही दर्द से निजात की दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जेएएच में आने वाले सामान्य दर्द के मरीजों को कभी आर्थोपेडिक सर्जन के यहाँ तो कभी न्यूरो सर्जरी में भेज दिया जाता था। इस कारण वे ओपीडी में भटकते रहते हैं। दर्द के मरीजों को ओपीडी में भटकना ना पड़े, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओपीडी में पैन क्लिनिक शुरू की गई है। आर्थोपेडिक की ओपीडी के पास कमरा नंबर 31 में पैन क्लिनिक की नई सुविधा शुरू की गई है और जल्द ही डायबिटीज फूड क्लिनिक भी शुरू की जाएगी। जिवाजी विश्वविद्यालय अधिकारियों के लिए नियमों का पालन करना मुसीबत बन गया। उच्च शिक्षा विभाग ने नियम पुस्तिका खोले रहने पर जेयू के अधिकारियों को न केवल फटकार लगा दी, वरन 7 और निजी कॉलेजों को प्राइवेट परीक्षा फॉर्म देने के अधिकार दे दिए। लेकिन राजनीतिक सिफारिश के आधार पर जारी हुए इन आदेशों के क्रम में जेयू ने आनन फानन में नामांकन व परीक्षा फॉर्म के लिए लिंक भी खोल दी। उच्च शिक्षा ने इस मामले में जिवाजी विश्वविद्यालय के नाम एक पत्र जारी किया था। पत्र में नाराजगी जताई गई कि निजी कॉलेजों को प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरवाने का अधिकार न देने को लेकर जिस तरह की शिकायतें जेयू से जुड़े कॉलेजों को आ रही हैं, वैसी शिकायतें किसी अन्य विश्वविद्यालय से नहीं आ रही हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्र में साफ किया गया है कि कॉलेजों में विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने की सुविधा मिले, इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय पर ही है। उन्होंने 17 कॉलेजों की एक सूची भेजते हुए निर्देश दिए कि इन सभी कॉलेजों को प्राइवेट परीक्षा फॉर्म जमा करने के अधिकार दिए जाएं। गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही ट्रेनों में बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर कोई गोवा और वैष्णो देवी दर्शन करने जाना चाहता है तो 13 जून के बाद ही उसे रेलगाड़ियों में रिजर्वेशन मिल सकेगा, क्योंकि गोवा झेलम व मालवा एक्सप्रेस में वेटिंग चल रही है। एसी क्लास में रिजर्वेशन मिलना बंद हो चुका है, जबकि स्लीपर क्लास में 25 से 30 सीट तक वेटिंग है। वहीं तिरुपति बालाजी स्टेशन करने जाने वाले के लिए खुशखबरी है, अभी इस ओर जाने वाली सभी गाड़ियों में रिजर्वेशन उपलब्ध है। गौरतलब है कि गर्मियों की छुट्टियों में शहर से सबसे अधिक लोग वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं। यदि इस समय वेटिंग में रिजर्वेशन लेते हैं तो एक बार संभावना बन सकती है, लेकिन मार्च के बाद रिजर्वेशन लेने वालों को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। यही कारण है कि लंबी दूरी की गाड़ियों में या तो वेटिंग चल रही है या फिर बर्थ खाली पड़ी हुई है, क्योंकि 10वीं 12वीं के एग्जाम 27 मार्च से 2 अप्रैल के बीच समाप्त होंगे। इसके बाद ही लोग घूमने का प्रोग्राम तैयार करेंगे, तब ट्रेनों में रिजर्वेशन के लिए मारामारी की स्थिति बनेगी। सांसद एवं विधायकों के मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेश सिंह ने तत्कालीन विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में फरार पूर्व मंत्री
लाल सिंह आर्य की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद निरस्त करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के आदेश दिए हैं। आर्य की अग्रिम जमानत याचिका पूर्व में भिंड जिला एवं सत्र अदालत और हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से निरस्त की जा चुकी है, जिसके बाद मामले को राजधानी में सांसदों एवं विधायकों के मामलों के लिए गठित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया गया था। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर फिर से। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने में जुटी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और दावा किया है कि विधानसभा चुनावों में जो भी परिणाम रहे हों, लोकसभा चुनावों में भाजपा फिर से अपना परचम लहराएगी। अंचल में विजय संकल्प अभियान यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने विमानतल पर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा पूरी तरह एकजुट है, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अभी हमारे पास प्रदेश की 29 में से 26 सीटें हैं, इस बार हम लोकसभा की सभी 29 की 29 सीटें जीतेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में ही मुरैना भिंड और गुना सीट पर पार्टी के लिए अच्छे संकेत न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक एक सीट पर पार्टी नेतृत्व गंभीरता से काम कर रहा है, इसके बेहतर नतीजे आएंगे। विधायकों को टिकट दिए जाने या न दिए जाने के सवाल पर सिंह ने कहा ये फैसला पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व करेगा। देखिए, जो मैं जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम सभी एक साथ मिलकर विजय संकल्प सभाएं करें और उस दृष्टि से 10 तारीख से हमारा ये विजय संकल्प सभाओं का क्रम प्रारंभ हुआ है। कल से हम ग्वालियर चंबल संभाग में हैं, आज भी 3 सभाएं हैं और इसके बाद कल भी हम इसी संभाग में रहेंगे और इस तरह से हमारा ये क्रम आने वाले समय में भी जारी रहेगा। और जिस तरह का रिस्पांस, जैसी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें जनता और कार्यकर्ताओं से मिल रही है, उसके कारण हमारा मनोबल जो पहले से ही ऊंचा था और भी मजबूत हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो मैं जानता था वो मैंने आपको बताया। देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव मुद्दे भी अलग हैं, लोगों की सोच भी अलग है और लोगों की सोच केवल एक है इस समय कि देश में दोबारा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चाहिए और इसलिए हमको पूरा भरोसा है कि भले ही विधानसभा चुनाव में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं थे, लेकिन इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में हम बहुत बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार की सुबह राजकीय स्पेशल विमान से भोपाल से ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं द्वारा उनकी आगवानी की गई। श्री चौहान यहां से सीधे केदारपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पहुंचे और यहां संघ पदाधिकारियों से भी चर्चा की। श्री चौहान बुधवार को पोहरी विधानसभा के बैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद भीतरवार और फिर दतिया में भी वे पार्टी के आयोजनों में शामिल होंगे। प्रेम प्रसंग के चलते एक प्रेमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक संयम खान ने तनाव के चलते ये आत्मघाती कदम उठाया है, जिसके बाद उसे एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां हालात बिगड़ने पर जेएच रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि युवक माधोगंज के अपागंज का रहने वाला था। मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रेमिका के पिता द्वारा पीड़ित किए जाने के कारण उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव का पीएम कराया है।
ये घटना जी, मेरा छोटा भाई है, इसके साथ जो तैयब खान, इसके साथ जो घटना हुई है वो प्रेम प्रसंग में के कारण हुई है। एक लड़की से, ये शिखा जैन से प्यार करता था जो बौड़ापुर में रहती है। इसके पिता ने और इसके चाचा ने और इसके भाई रविंद्र जैन इसका भाई है, और इसका चाचा शंकरलाल जैन, इन सब लोगों ने मिलकर षड्यंत्र करके मेरे भाई को झूठे केस में फंसाया। बौड़ापुर थाने में 19 जनवरी को इसे बंद करा दिया, फिर जो 16 फरवरी को इसकी जमानत कराई। जमानत करार पे जब बाहर आया तो उसके कुछ दिन के बाद ये गुमसुम रहने लगा, ना तो किसी से बातचीत करता था, ना कोई बात किसी से सुनता था। हम लोगों ने भी इससे काफ़ी पूछताछी करी, तब ये इसने हमको कुछ नहीं बताया, और आज कल की बात है कि इसने सल्फास खा लिया। मेरे को तो लास्ट डेड हाउस में मिली है, और इसका नाम उस्मान है, और तैयब खान का रहने वाला है, ये शीतला कॉलोनी आपगंज का रहने वाला। किस तरह घटना हुई, क्या है ये पॉइजन खाने से मेरा तो ना प्रतीत हो रहा है। क्या कुछ मालूम पड़ा क्यों पॉइजन खाया है, किसके वजह से खाया है? इसके बारे में तो जहाँ से आगे बढ़ेगी तब पता चला। उनके परिवार वालों से आपने बातचीत करी तो उन्होंने क्या बताया? अभी तक बता रहे, पर आप पूर्ण अपन जांच करें तो पता चलेगा, अभी अंदाज से कुछ भी नहीं। उसके बच्चे की 28 साल है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुकते हैं खबरों की ओर फिर से। प्रशासनिक अफसर चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव संबंधी आदेश जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही लाइसेंसी हथियार जमा करने के लिए इस बार केवल 7 दिन का समय कलेक्टर अनुराग चौधरी ने दिया है। दूसरा आदेश, सरकारी अमले की छुट्टियां सोमवार से बंद कर दी गई हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के वक्त कलेक्टर अशोक कुमार वर्मा ने लाइसेंसी हथियार सस्पेंड करने का आदेश 6 अक्टूबर को जारी किया था। इसमें उन्होंने सभी हथियार 25 अक्टूबर तक थानों में जमा करने को कहा था। श्री वर्मा ने इस काम के लिए 20 दिन की मोहलत दी थी। उन्होंने सुरक्षा में लगे अधिकारी कर्मचारी व शहर के 145 से ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों को हथियार घर में रखने की भी छूट दी थी। वर्तमान कलेक्टर श्री चौधरी ने हथियार जमा करने के लिए 10 मार्च को जो आदेश जारी किया है उसमें 1 सप्ताह में हथियार पुलिस थाने व लाइन में जमा करने को कहा है। चूंकि हथियारों की संख्या 29,000 से ज्यादा है, इसलिए उक्त समय को बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें 2 हफ्ते का समय दिया अभी तो, इसमें 29,732 हथियार हैं कुल यहाँ पे, तीनों प्रकार के, और इसमें क्या कहते हैं इसको, जो 2 हफ्ते का समय दिया हथियार जमा करने के लिए, और इसमें समस्त प्रकार के हथियार जो हैं उनको जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, और समय अवधि में सब हथियार जमा करना है। इन केस किसी में छूट भी दी जा रही है? अभी छूट तो ये है कि कोई आपात के तौर पर अगर कोई बहुत ही एग्जेम्पशनल केस है तो उसमें शासकीय जो कर्मचारी हैं जो कि खुद निर्वाचन में कार्यरत हैं या निर्वाचन के कार्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को इंक्लूड किया, ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जो खासतौर से सुरक्षा कर्मी हो गए, बैंक सुरक्षा गार्ड हो गए, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के जो सुरक्षा कर्मी हैं, और पुलिस के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबको तो एक्सक्लूड। फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, ऐसे में चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की है। लोकसभा चुनाव में महिला कांग्रेस इस चुनौती को पूरा करने को तैयार है। यह बात मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष माड़वी चौहान ने कही है। वे लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हैं और बुधवार को शहर जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित महिला शक्ति सम्मेलन में शामिल हुई। महिला कांग्रेस अध्यक्ष माड़वी चौहान का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया चुनाव के दौरान वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में जुटे हैं। चुनाव में महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी के साथ ही टिकटों की दावेदारी के सवाल पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश की कई सीटों पर महिला कांग्रेस की सदस्यों ने दावेदारी की है। कुछ ने मेरे पास बायोडाटा भेजे हैं तो कुछ ने सीधे पहल की है।
उम्मीद है पार्टी हाईकमान उचित निर्णय लेगा और हमारी बहनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर उन्होंने भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या मध्य प्रदेश में 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा सरकार, सभी ने महिलाओं की मुसीबतें बढ़ाने का काम किया है। देखिए, हमने विधानसभा से पहले ही तैयारी शुरू करी थी महिला कांग्रेस की, और उसका परिणाम आपने देखा कि हमारी यहाँ जीत हुई है। उसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया। इस बीच हमने महिलाओं की ट्रेनिंग भी कराई। हमने उनको बताया कि बूथ में किस तरह से काम किया जाता है, बूथ में क्या क्या की जिम्मेवारी होती है, किस तरह से आप लोगों को बूथ तक लेके आएंगे, आपके बूथ में कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, कितनी पहचान है, कितनी पकड़ है। घर घर आप एक एक बूथ संभाल लीजिए। आप जब बूथ संभालेंगे आपकी पहचान होगी, लोग उसी रुझान से आएंगे। दूसरी बात हमने ये कही कि अपने वोट का अधिकार पहचानिए। वोट क्यों देना है आपने, क्या कारण है जो आपको वोट डालना है, तो इस अधिकार को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं, और उस ताकत को समझिए और झूठ फैलाने वालों को आप उसका जवाब दीजिए। और अब खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ।